तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुशांत मरक, आप लोग देख रही है सुशांत ब्लॉग चैनल। तो मिलते हैं आज का वीडियो में। आज का वीडियो में क्या देखने को मिलेगा हम लोगों को, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा दोस्तों हमारा गारो ट्रेडिशनल हाउस, और इसको हम लोग कहते हैं अच्छे हम लोग इसको बोलते हैं। अच्छे अच्छे पहाड़े, और सिर्फ पहाड़ ही नहीं है दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ का जो दोस्तों मैं आप लोगों को ऊपर का जो दिखा ये है, इनको हम लोग कहती है अच्छे पोरंग बोलते हैं इसको, थ्री हाउस। थ्री हाउस को हम लोग अच्छे पोरंग से कहती है दोस्तों। और आगे तरफ हम लोग देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों। पहले ही बता देता हूँ कि बुरा मत मानना दोस्तों। दोस्तों ये है रास्ते जो नीचे तक हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से। वैसे रास्ता काफ़ी छोटा है, लेकिन ये प्लास्टर जो लगाया हुआ है इसलिए चलने के लिए तो दिक्कत तो नहीं है, अच्छी तरह चल सकती है। और दोस्तों ये जो खेती बाड़ी आप लोग देख रही है, ये खेती बाड़ी, इन खेती बाड़ी को हम लोग बोलते हैं आचक में आबा वैसा कहा जाता है। और इसमें कुछ कुछ वैसे लोकल सब्जियाँ यहाँ पर खेत पे जो मिलते हैं, और कैसे क्या क्या देखती है। ये रहा दोस्तों, ये वैसे कुछ यहाँ पर चढ़ा जाता है, छेनक छेनक आ रही है अभी, और पीछे पीछे आ रहे हैं जो वो शंखम, उनका भी ब्लॉग चैनल है। ऐसे मैं अभी जा रही हूँ, मैं तो चलते चलते मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रही है। आप लोगों को कैसा लग रही है, क्योंकि यहाँ का जगह जो है वो अभी नया नया जैसा लग रही है ना, इसीलिए मुझे बहुत बहुत मज़ा हो रही है घूमने में। और काफ़ी डाउन है, अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा डाउन, एकदम खारा सीढ़ियाँ है ये, वैसे आराम से चल सकती है, आ भी सकती है, जा भी सकती है, टेंशन की कोई बात नहीं है दोस्तों। काफ़ी शानदार यार, काफ़ी बहुत ही मज़ा, वाओ। बड़ा बड़ा पेड़ है, और काफ़ी यहाँ पर घूमने के लिए मतलब यहाँ पर रहने के लिए बहुत ही ठंडा जगह है। वो अगस्त महीना है, लेकिन अगस्त महीना में भी यहाँ पर बहुत ही ठंड लग रही है, काफ़ी भी ठंडा जगह है दोस्तों। और आप लोग देखकर ही पता लगा सकते हैं कि कितना ठंड जगह होगा यहाँ पर। ये आप लोगों को यहाँ का पहाड़िया जो है वो थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये रहा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। और ये इन रास्ते को मुझे चलना पड़ेगा अभी। और दोस्तों आप लोग भी यहाँ पर कभी कभी आएगा ना, तो जब आप लोग नया नया जगह देखेगा ना, तो वाह ही वाह बोलेगा दोस्तों यार, वाह ही वाह, वाह के सिवा कुछ नहीं बोलेगा यार दोस्तों। आप लोग भी यहाँ पर आएगा तो ये क्या है भाई, इतना अच्छा जगह, इतना सुंदर। और नीचे में छोटा करके आप लोग देख रही है, वो भी कुछ आदमी का ही घर है अभी फिलहाल। और नीचे में चल के देखते हैं। वहाँ पे आप लोग घर देख रहे हैं, वहाँ से ही हम लोग अभी शुरुआत में आए थे, वो रहा। और इनको अभी वापस जाएगा तो क्या बोलो यार, मुझे तो डर भी लग रही है यार क्योंकि इतना ऊंचा पहाड़ जो है ना, इसलिए फिर वापस जाने के लिए तो बहुत ही मुश्किल लग रही है मुझे। खैर जो भी हो, वापस जाना तो पड़ेगा ही ना दोस्तों। क्या हुआ भाई लोग, क्यों रोना धोना कर रहे हैं? अरे लूज करने वाला था मुझे, मैंने पकड़ लिया। क्या क्या, दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ओहो जोक है, जोक। ये रहा रास्ता, अब आने वाला है असली मजा। वैसे रास्ते को चलना पड़ता है, कर ही पता लगा सकती है कि इन रास्ते को चलने में कितना मुश्किल जो है
वो तो आप लोग देखकर ही पता कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन इतना ज़्यादा दाँतने का तो कोई बात नहीं है, आराम से आप लोग धीरे धीरे करके भी जा सकती है नीचे नीचे तक, जो कि इन लोगों को तो पीछा ही नहीं छोड़ा है भाई। अरे अंदर भी घुस गया क्या? हाँ पेन उतर कर देखो ना यार, पेन उतरो, पेन 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 उतरो, इसीलिए तो मैंने बोला था तुमको जूता लॉन्ग पेन मत पहनो, मेरी तरह आने के लिए नहीं सकता था क्या? थोड़ा होशियार से चलना पड़ेगा भाई, अगर बिना होशियार में बिना होशियार से चलना चलेगा तो मुझे जो भी पकड़ सकती है। नहीं यार ऐसा मत कहो यार, नहीं 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 मुझे चिपका नहीं सकता, रुआत रुआत मतलब जोक नहीं चिपका सकता यार। चलो 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 चलो, बहुत जोक है यार दोस्तों यहाँ पे, मैंने तो सोचा ही नहीं, सोचा भी नहीं था यार इतना इतना जो जोक यहाँ पे देखने को मिलेगा वो तो मैंने सोचा ही नहीं था। बड़ा बड़ा जोक भाई, मुझे पहले इनको निकलना पड़ेगा। इतना सारा जोक यार, बाप रे बाप, इस जंगल पे इतना जोक होगा वैसे मैंने सोचा ही नहीं था यार। ये रहा इतना, वाह बहुत ही सुंदर, काफ़ी सुंदर है यार, काफ़ी सुंदर, वाह बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर क्या कर रही है ज़रा हम लोग भी तो देखिए क्या कर रही है ये लोग। ओहो भाई जोक पकड़ लिया है क्या? कहाँ पे कहाँ पे? ओहो काफ़ी बड़ा है यार, काफ़ी बड़ा जेबी। नहीं 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 आदमी लोग यहाँ पे नहाने के लिए कपड़ा वपड़ा खोल रही है अपना अपना, लेकिन लेकिन मैं यहाँ पर नहाऊँ या नहीं नहाऊँ बाद में सोचेंगे यार, बाद में सोचेंगे, ज़रा रुकिए रुकिए तो सही, सब्र करो, सब्र करने से कुछ फल का भी मीठा होता है ना, वो बात होती है। वैसे मुझे भी मुझे लग रही है जो टूटा हुआ अभी आप लोग आगे पे देख रही है, लगता है बहुत ही पुराना साल का हो गया, ये दादाजी का ज़माने का होगा शायद यार। ये तो नहाने के लिए रेडी हो गया यार, ये रहा दोस्तों देखिए। ओ जिनका जिन भट आओ जो आओगे, बहुत ही मज़ा से नहा रही है सिंघम भाई। मैं अभी नहाते हूँ उसे उसके बाद में आप लोगों को मैं बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ, तो देखिए कोशिश करके देखता हूँ कि कितने देर तक यहाँ पर मिलने के लिए मिलती है। अब मुझे तो बहुत ही ठंडा हो रही है दोस्तों, मैंने यहाँ पे नहाया दो मिनट भी नहीं हुआ है, मुझे डल डल नहीं लगा है अभी, बहुत ही काँपने लगा है, क्या बोले हिंदी में इतना बॉडी जो झिलझिले हो रही है, हिल रही है, मेरा शरीर जो है बहुत हिल रही है। पानी में मैंने दो मिनट भी नहीं नहाया था, तो क्या ही बोलो यार, पानी जो है ना इतना बहुत ठंड है, जो वो हम लोग फिश का पानी वैसा भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। अभी अगस्त महीना में ही पानी इतना ठंड हो रही है, तो ज़रा सोचिए ठंडा मौसम में तो कितना ठंड होगा ये पानी। तो चलिए दोस्तों सिर्फ इतना ही मैंने आप लोगों को बताना था, तो
अभी आगे आगे देखती है। दोस्तों अभी तो हम लोग वापस जा रहे हैं घर पे, जो आप लोगों को दिखाना था वो तो मैंने सब कुछ आप लोगों को दिखा दिया, पहाड़ियाँ वो भी आप लोगों को दिखा दिया है। और हम लोग वहाँ पे नहाया, खूब मस्ती भी किया है। वो तो आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। तो दोस्तों अभी मेरे पीछे में जो आप लोग देख रही है, ये इतना ऊँचा पहाड़ जो है, मैंने आधा तक तो आए हैं। शुरुआत से मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि हम लोग अभी जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं जो अभी जो आप लोग मेरे पीछे में जो देख रही है, ये वैसे पहाड़ को अभी चढ़ के जाना पड़ेगा, इसलिए बहुत ही सांस अभी बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि बातें करते करते तो सांस ही ख़त्म हो जाने वाला है, वैसे भी लगती है। इसलिए दोस्तों यहाँ तक जिन लोगों ने भी मेरे वीडियो को देखा है, आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।